हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप को कैसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग को मालूम है, आज के तारीख में आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है। होता क्या है, अगर आपको कंप्यूटर में पासवर्ड से प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो आपका पर्सनल फाइल, आपका जो भी पर्सनल या प्राइवेट जो भी डेटा है, वो कोई थर्ड पार्टी क्या आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार बहुत आराम से एक्सेस कर सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका पर्सनल कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उसको आपको पासवर्ड डाल के रखना है और प्रोटेक्ट करना है। बहुत ही आसान और सिंपल है। जैसे कि आप सब लोग को मालूम है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर है, मतलब जो OS है, वो 7 है, 8 है, 9 है या 10 है या 11 है। अभी मेरे सिस्टम में 11 है, लेकिन मैं जो आपको अभी ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आपका 7 से लेके 11 तक आपका कौन सा भी वर्जन रहने दो, आप बहुत आसानी से उसमें पासवर्ड डाल के आपका PC या लैपटॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम गणेश है, वेलकम टू माय चैनल इंडिया डिजिटल बनेगा समाधान, बस और कुछ नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाने के बाद आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद आपको क्या करना है, सर्च बार में जाने के बाद तो देखो आपको क्या करना है, जाना है सेटिंग में। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कैसा विंडोज आ जाएगा। तो विंडोज आने के बाद आपको देखो अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो, अगर आपका विंडोज जेन्युइन है, मतलब उसमें आपने उसका लीगल लाइसेंस वर्जन लिया है, तो आपके सामने ये दो ऑप्शन है, ये इनेबल हो जाएंगे। ये ऑप्शन से आप अपना ये जो है, यहाँ पर आपका फ़ोटो लगेगा कैमरा से। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, आपका PC या लैपटॉप के ऊपर अंदर एक इनबिल्ट कैमरा रहता है। PC में आपको अलग से वेबकैम लगाना पड़ता है। तो लगाने के बाद आपका फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। अभी मेरे पास जो वर्जन है वो लीगल नहीं, लीगल इन सेंस मैंने इसका लाइसेंस वर्जन अभी तक एक्टिवेट नहीं किया कराया है। तो जैसे एक्टिवेट हो जाएगा तो ये मेरा दो ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन से आपको आपका फ़ोटो अपलोड अपडेट हो जाएगा। तो अभी आपको लगाना है पासवर्ड, तो आपको क्या करना है, साइन इन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देखो इतने सारे ऑप्शन आपके पास हैं, जिससे तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। आपको क्या करना है, ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो, इसमें आपको एक पासवर्ड डाल देना है, यही पासवर्ड नीचे आएगा, और एक हिंट देना है। तो मैं पहले हिंट डाल देता हूँ। हिंट इसके लिए रखना है कि अगर इन फ्यूचर में अगर आप कभी आपका पासवर्ड भूल जाते हो तो हिंट से आपको मालूम पड़ेगा। तो ठीक है, मैं मेरा हिंट और जो पासवर्ड है वो डाल के लेता हूँ। देखो दोनों होने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन करने से पहले आपको ज़रूर याद रखना है कि आपको जो पासवर्ड दिया है वो कौन सा है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो, आपने जैसे ये डाला, फिनिश के ऊपर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा अभी कुछ ही सेकेंड में। तो जैसे ही आपका अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है। तो इस तरह से ये अपडेट हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं आपका पासवर्ड, तो यहाँ पे क्लिक करके सब वही प्रोसेस करना पड़ेगा। ये तो हो गया पहला प्रोसेस, मैं अभी आपको दिखाता हूँ दूसरा प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है मेन स्क्रीन में, और मेन स्क्रीन में जाने के बाद आपको कंट्रोल पैनल ढूंढना है। कंट्रोल पैनल ढूंढने के बाद उसमें आपको क्या करना है, यूज़र अकाउंट करके एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप करोगे, देखो इसमें अभी आपको क्लिक करना है यूज़र अकाउंट के ऊपर। जैसे आप यूज़र अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे दिखेगा, मतलब अभी आपका जो यहाँ पे जो मेरा नेम है अकाउंट का, वो आप चेंज कर सकते हो, उसका टाइप चेंज कर सकते हो, उसमें और कोई अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो मुझे क्या करना, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कैसा मैसेज आएगा, अभी चेंज अकाउंट नेम, पासवर्ड, चेंज अकाउंट टाइप और अनदर टाइप। देखो ये आपको मैं वापस बताता हूँ, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तभी आपके सामने आएगा। ठीक है, तो आने के बाद देखो अभी आपको आपका अगर नाम चेंज करना है तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो आप आपका नाम चेंज कर सकते हो। अभी देखो मेरा ऊपर नाम मैंने गणेश डाला, तो आप आपका कंपनी का नाम या आपकी किसी दोस्त का या आपका मतलब जो भी आपको नाम देना है आप डाल सकते हो, और उसको चेंज नेम करके वो नेम चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, मुझे अभी मेरा नाम चेंज नहीं करना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आप पासवर्ड कैसे कर सकते हो। तो ये देखो, इसमें आपका अकाउंट टाइप भी चेंज कर सकते हो और भी पासवर्ड लगा सकते हो। तो मुझे अभी ये सिर्फ ये दिखाना है आपको, दूसरे इसमें आप जो पासवर्ड है उसको कैसे चेंज करोगे। देखो तो ये अभी आपको पूछेगा आपका करंट पासवर्ड, पूछेगा न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड और पासवर्ड हिंट। तो देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, नया पासवर्ड डाल के अभी टाइप हिंट करना है।
को होने के बाद आपको चेंज पासवर्ड के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये पासवर्ड चेंज हो गया। इसमें कि आपका हिंट भी आ गया, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा के बाद देखो ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में बहुत आसानी से एक पासवर्ड लगा के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।